नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। विगत कुछ दिनों से आरपीएफ रूल 72 की तैयारी कर रहे लोगों में एक भ्रांति फैल गई है। कुछ लोगों ने ये कहा कि अब एग्ज़ाम होगा ही नहीं, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब एग्ज़ाम आगे होगा भी नहीं। तो इन सब डाउट के लिए ही इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और कुछ लोगों ने फ़ोन करके मुझे ये भी कहा कि सर ऐसा तो नहीं है कि इन सब चीज़ों का अब कुछ होगा ही नहीं, अब आरपीएफ रूल 72 अगले साल होगा, 2022 में होगा। तो वैसा कुछ नहीं है। आज दो लेटर जो दो डेट में निकले, एक 4 फरवरी 2021 को निकला और सब्सिक्वेंटली इसी के बेवज में जो है वो 5 फरवरी को भी एक लेटर निकला। तो दोनों लेटर को डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपके अंदर किसी प्रकार की शंका ना रह जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये 4 फरवरी को लेटर निकला जो नोडल सीएससी फॉर सिलेक्शन ऑफ रूल 72 हैं श्री सौरभ त्रिवेदी सर, डीआईजी कम सीएससीडब्ल्यूआर। तो उन्होंने लेटर निकाला सिलेक्शन अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल। उसके नीचे रेफरेंस देखिएगा, लेटर नंबर अंडर रूल 72 एएसआई एट कांस्टेबल 2021 28/1/2021। इसमें इन्होंने बताया कि जो पहले डीपीसी थे, इन रेफरेंस टू द अबव द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एट सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट रेलवे बोर्ड एंड एज सजेस्टेड बाय डीजीआरपीएफ नोडल सीएससी में नॉमिनेट श्री पवन कुमार श्रीवास्तवा सिक्योरिटी कमिश्नर टू बीसीटीडब्ल्यूआर एज चेयरमैन डीपीसी फॉर सिलेक्शन टू द रैंक ऑफ एएसआई अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। फर्दर श्री एके कुंडू एससी हेडक्वार्टर WR में भी नॉमिनेटेड इन प्लेस ऑफ श्री संजय पाइस। मतलब कि इसमें क्या हुआ, ये नाम चेंजेज हुए। डीपीसी में जो है पहले कोई और व्यक्ति था, उनको और क्या किया गया, सजेशन ऑफ DGRPF पे उन्हें चेंज किया गया। साथ ही साथ कहा गया, इन एडिशन नॉमिनेशन ऑफ डीपीसी फॉर सिलेक्शन फ्रॉम कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 विल फॉलो इन ड्यू कोर्स। तो इसके बाद क्या हुआ, ये निकालने के बाद डीपीसी में जो पहले मेंबर थे उनको चेंज किया गया। कुछ लोगों को जैसे कि श्री संजय पाइस की जगह पर श्री एके कुंडू जी को किया गया। लेकिन ठीक 5 तारीख को फिर क्या लेटर निकलता है वो देखिए। 5 फरवरी को एक लेटर निकला जो कि भ्रांति का कारण बना। लोगों ने कहा कि सर अब डीपीसी गठित नहीं होगी और एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये भी वही था अंडर रूल 72 आरपीएफ रूल 1987। इसमें देखिए 4 तारीख का रेफरेंस है और 13/1 का भी रेफरेंस है, साथ ही साथ 15/1 का भी रेफरेंस है। तो इन सीनोट लेटर का रेफरेंस दिया गया और ये कहा गया कि विथ रेफरेंस टू लेटर साइटेड एट सीरियल नंबर 2, यहाँ सीरियल नंबर 2 के बारे में ये बात कर रहा है, द डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज़ डीपीसी फॉर सिलेक्शन ऑफ रैंक टू एएसआई एंड हेड कांस्टेबल अंडर रूल 72 नॉमिनेटेड वाइड दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 15/1/2021 आर हियर बाय डिसॉल्व। मतलब ये कहा गया है कि जो डीपीसी गठित की गई थी उसे क्या किया गया है, डिसॉल्व मतलब कि तोड़ दिया गया है या उसे भंग कर दिया गया है फिलहाल। एंड नॉमिनेशन ऑफ फ्रेश डीपीसीज एंड इशुएंस ऑफ डेट फॉर कॉमन नोटिफिकेशन विल बी एडवाइज शॉर्टली। मतलब कि जैसे हम लोग लगे हुए थे कि 8 फरवरी तक जो है ये मांगा गया था जोनों से वैकेंसीज के बारे में, तो संभवतः यह सोचा जा रहा था कि 9 फरवरी को जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डीपीसी डिसॉल्व हो गया तो अब एग्ज़ाम नहीं होगी। एग्ज़ाम थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, एक्सटेंड हुआ है कि डीपीसी अब फ्रेश गठित की जाएगी। डीपीसी जो है आपका वो फ्रेश होगा और जब फ्रेश डीपीसी गठित हो जाएगा तब आपका जो है कॉमन नोटिफिकेशन का डेट जो है उसके बारे में बात आएगी। तो अब ये क्या है, यहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंशन हो गया है आपका डेट, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी संभावना नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। संभवतः 100% मैं बता रहा हूँ आपका एग्ज़ाम होगा और विद इन 3 मंथ में, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके विद इन 3 मंथ में जो है आपको ये चीज़ प्रोसीजर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार से
मतलब कि अपने आप को लेथार्जिक ना करें, आलस ना करें कि चलो अब तो डीपीसी जब बनेगा तब तैयारी करेंगे, 1 महीना रहेगा। नहीं, कंपटीशन बढ़ गया है, सभी जगहों से फीडबैक है मेरे पास, ऑल इंडिया लेवल पे मैं बता रहा हूँ, हर जोन से मेरा संपर्क है, हर जोन में मेरे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो उनके फीडबैक के अनुसार मैं आपको आगाह करता हूँ। और जो लोग तैयारी पहले से कर रहे हैं उनको भी यह अपनी तरफ से एडवाइस मानिए, सलाह मान लीजिए, उस सलाह दूंगा कि आप कतई ढीला ना पड़े किसी भी संभावना को, कोई एक ऐसी भी संभावना ना बनने दें जिससे कि जो आपकी असफलता की ओर ले जाता हो। मेरी तरफ से आपके लिए पूरा सहयोग रहेगा, मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ और आप लोगों के लिए जब भी जैसा भी अपडेट आता है उन सब अपडेट को करता हूँ। और अपडेट में सारी चीज़ें नहीं देता हूँ, जहाँ आप लोगों को शंका होता है, डाउट हो जाता है, तो मेरा काम है आपके डाउट को क्लियर करना। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको डाउट क्लियर कर पाया हूँ कि डीपीसी का जो है डिसॉल्व अभी किया गया है, वो कल भी मान लीजिए तो 8 फरवरी को भी गठित होकर के 9 फरवरी को नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए या फिर थोड़ा देर हो जाए, लेकिन देर हो सकता है, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, इसलिए आप ज़रूर अपनी तैयारी को उसी तरीके से रखिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी की शंका को मैं दूर कर पाया हूँगा। तो इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए, ताकि आपके अनुभव, आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी में मैं कुछ थोड़ा बहुत सहयोग जो भी बन सकता है मेरा, मैं आपके लिए कर सकूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेमपूर्वक दिल से धन्यवाद।